ऊपर आ रही है बाघ की आवाज। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज काफी लंबे समय के बाद मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और मेरे साथ है हमारे केसर भाई। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया वीडियो नहीं बनाई मैंने, और क्योंकि मैं कहीं गया भी नहीं घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, तो थोड़ा सा ज़िंदगी की इस व्यस्तता को दूर रख के मैं घूमने गया हूँ। इस बार वैसे हमारा प्रोग्राम बना था खलिया टॉप जाने का, लेकिन वहाँ किसी कारणवश नहीं जा पाए। तो आज हम जाने वाले हैं, एक जगह है अल्मोड़ा में पांडव खोली, जहाँ बताया गया है कि बहुत प्राचीन शिल्पकलाएँ देखने को मिलती है, भीम का कंबल भी है वहाँ, ऐसा मैंने सुना है सिर्फ। अब आज अगर जब हम जाएंगे वहाँ, वैसे आज तो नहीं जाएंगे, शायद आज नाइट स्टे कहीं करेंगे रास्ते में, देखो क्या होता है, लेकिन अगर कल जाएंगे तो पैदल है काफ़ी, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी हमने। केसर भाई क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बार जा रहा हूँ तो कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो अभी हम निकले ही हैं पिथौरागढ़ से, देखो रुक रुक के जाएंगे और कैसा आज का हमारा ही दिन रहता है। फिलहाल दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं गुरना मंदिर पे, दर्शन करके आ गए हैं, अब इसके बाद अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। केसर भाई को बहुत ज्यादा भूख भी लग गई, इस वजह से वो ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों केसर भाई? कुछ नहीं है। तो फिर अब यहाँ नहीं रुकेंगे आगे वाले? खाना तो खाएंगे, सुबह से नाश्ता नहीं कर रखा है। तो दोस्तों खाना खा के हम निकल चले हैं, अपने सफर को आगे बढ़ा दिया है। केसर भाई पता नहीं कैमरा देखते हैं, पता नहीं ऐसे की मंद मुस्कान छोड़ दे। क्या बोलूं, अभी आई जान जरा खा के, बढ़िया लग रहा है खाना खा के। इतना लंबा सफर है, खाए बिना कैसे जाया जाएगा। सफर का मजा तो खाते खाते और रुकते रुकते जब जाने में ही है। फिलहाल तो अभी हम हौले हौले जा रहे हैं और मौसम ने भी आज हमारा काफी अच्छा साथ दिया है। फिलहाल दोस्तों रुकते रुकते अभी हम पहुंचने वाले हैं अल्मोड़ा पनवा नौला में। तो जो ये रोड है वृद्ध जागेश्वर को जाती है, जहां मैं गया नहीं हूं, भविष्य में देखेंगे जाएंगे। तो अभी हम अल्मोड़ा पहुंचेंगे, लगभग 30 किलोमीटर अल्मोड़ा है यहां से। फिलहाल दोस्तों हम रुके हैं उसी जगह पे और अभी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, लघु विश्राम और सूक्ष्म जलपान अंगूर खा रहे हैं। कहाँ रहा अभी तक का सफर केसर भाई? बढ़िया रहा, काफ़ी अच्छा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा साथ दे रहा है। और अभी कुछ गोपनीय सूत्रों से पता चला है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बर्फ भी पड़ी है, तो कोशिश तो रहेगी कि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे और बर्फ़ के भी मजे लें, देखो कैसा रहता है। बाकी हमारे जानते कहीं बर्फ़ पिघल ना जाए, वैसे भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है हमारा। अभी हम जा ही रहे थे तो रास्ते में हमें ये माल्टा बेचने वाले कोई मिल गए अंकल, तो अभी हम माल्टा लेकर के थोड़ा सा ये धूप में बैठ के आनंद लेते हैं माल्टे का। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय बाद मैं ऐसे घूमने गया हूँ और एकदम इत्मीनान से माइंड फ्री होकर के जो घूम रहे हैं, मज़ा ही आ गया। ये माल्टा लेकर के हम आए यहाँ पे, देखिए कितने अच्छे अलग पता नहीं कौन सी प्रजाति के वृक्ष भी देखने को मिले हैं। केसर भाई मज़ा आ रहा है नहीं सफ़र का? हाँ यहीं बैठे यार, अब कहाँ ऊपर जा रहे हो इससे ज़्यादा। मज़ा तो काफ़ी आ रहा है, लेकिन सच बताऊँ तो मिर्ची भी बहुत ज़्यादा लग गई है। यहाँ भाई मिर्ची इतनी ज़्यादा है, क्या बताएं, हालत ख़राब हो गई है। पर हमने इंजॉय के साथ घूमने आया तो हम कहीं पे भी रुक के कुछ भी खा ले रहे हैं। फुल इंजॉय, चार दिन तक देश दुनिया से अलग हुए।
तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं द्वाराहाट, और आज नाइट स्टे हम द्वाराहाट में करेंगे। कल हमारा जो है टारगेट, पहले हम जाएंगे दूनागिरी दर्शन करने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे पांडव खोली। वहाँ पे एक बड़ा सा फील्ड है, उस पे कूदो तो दम दम गद्दी की तरह उछलता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा सफर शुरू हो चुका है पांडव खोली के लिए। दूनागिरी मंदिर भी जाएंगे, कल काफ़ी सही रहा, आराम से घूमते फिरते गए। और केसर भाई कैसा लग रहा है? फिर बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है, जा रहे हैं घूमने अभी वहाँ, देखो क्या होता है आगे। अभी हम दूनागिरी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाते हुए काफी ज्यादा सीढ़ियां हैं। केसर भाई क्या लगता है कितनी सीढ़ियां होंगी? 1000 से ऊपर है। दूनागिरी मंदिर अगर आप आना चाहते हैं तो आप गाड़ी से भी आ सकते हैं सीधा, क्योंकि मंदिर का जो गेट है वहाँ तक गाड़ी आती है, उसके बाद सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है। तो आप सीढ़ियों से आप नहीं चलना होगा, पैदल थोड़ा ट्रैक करना होगा, और प्रसाद वगैरह आपको वहीं गेट पे मिल जाते हैं। मंदिर के दर्शन करके तो आ गए हैं, काफी भव्य मंदिर है और काफी ऊंचाई पे भी है। सर्दियों के दिनों में यहाँ बर्फ भी पड़ती होगी, चारों तरफ बांस के पेड़ हैं, ठंडा भी काफी है, पानी की कमी नहीं है, तो काफी अच्छा है, भव्य मंदिर है। एक बार आप जरूर आइएगा माता रानी के दर्शन करने के लिए। फिलहाल अभी हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे और तब चलेंगे हम पांडव खोली। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दूनागिरी मंदिर के दर्शन करके, और अभी हम जा रहे हैं पांडव खोली। रास्ते में हमें एक जगह सेब के बागान देखने को मिले, काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी खुला है, और यहाँ पे भूख भी लग गई थी हमें थोड़ी सी, तो हम थोड़ा कुछ सूक्ष्म जलपान करने के लिए रुके हैं यहाँ पे। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरे सेब बागान है, पूरे सेब के पेड़ है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लगा देखो यहाँ पे। जब सेब की फसल होती होगी तो कितना अच्छा ये लगता होगा यहाँ पर देखिए, और जो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल अभी हम रास्ते में रुके हैं, और सुबह नहाया था तो कपड़े भी नहीं सूखे, तो गाड़ी के ऊपर ही सुखा दे रहे हैं, लगभग आधे कपड़े भी सूख गए हैं, चलते फिरते कपड़े भी तक सूख जा रहे हैं यहाँ। केसर भाई देखो क्या लेकर आए हैं, एक बार देखते हैं। केसर भाई दिखाओ तो क्या लाए हो? क्या लाया हूँ? चाउमीन मोमो लाया हूँ, देखते हैं कैसा हो रहा है। चाउमीन मोमो नहीं देखे क्या? दिखाओ तो सही यार, कैसे बनाए हैं जरा टेस्ट करते हैं, भूख लग गई है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। क्या यार केसर भाई, ये नहीं खुल पा रहा है तुम मुझे। क्या हो गया है तुमसे, थैला नहीं खुल पा रहा है? लाओ इधर दो, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ बात, तो अच्छा ही लग रहा है। ये सर भाई कैसी बनी है चाउमीन? बढ़िया बनी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। खा लिया है खाना भी, अब चलते हैं पांडव खोली। अब जान भी आ गई है चलने की, हिम्मत भी आ गई है। यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, देखो पांडव खोली गुफा द्वाराहाट से 27 किलोमीटर दूर, सड़क से 3 किलोमीटर पैदल मार्ग पर स्थित है। समुद्र तल से 8000 फीट पर स्थित इस धार्मिक स्थल को पांडवों का स्थल माना गया है। यह पहाड़ी अनेक रहस्यों को समेटे है और धरती पर पैर मारने पर प्रतिध्वनि प्रकट करती है। यहाँ महामुनि बाबा की गुफा भी दर्शनीय है। तो यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करते हैं, और इसके बाद यहाँ से ऊपर को पैदल रास्ता है, ट्रैक करना पड़ेगा हमें।
तो यहाँ से हमारे पैदल यात्रा शुरू होती है। 3 किलोमीटर जाने हैं, 3 किलोमीटर आने हैं और अभी 12 बज रहे हैं। देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं हम। केसर भाई वो पर बुरास के फूल भी लगे हैं, तोड़ते हो एक आज जाओ। ऐसे तोड़ गया। पांडवखोरी जाते हुए गांव का एक सुंदर सा दृश्य, चारों तरफ काफ़ी घने बांस के जंगल हैं। अभी पैदल यात्रा हमारी चालू है। जिस हिसाब से अभी ठंडा हो रहा है उस हिसाब से तो लगता है यहाँ सर्दियों में बर्फ़ गिरती होगी। के सर भाई क्या लगता है आपको, यहाँ बर्फ़ गिरती होगी? में क्या बर्फ़ गिरती है, परसों ही गिरी है। स्थानीय लोगों से पूछा था तो वो नहीं बोल रहे थे कि बर्फ़ गिरी है परसों। अच्छा, इतने हाइट पे आए हैं, इतने हाइट पे आने के बाद तो बर्फ़ गिरती है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है। अभी मुझे लगता है जितना हाइट में हम ऊपर को जाते रहेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे। 4-5 किलोमीटर पैदल चलना है ऊपर। अच्छा, और ज़्यादा हाइट पे नहीं जाएंगे। यहाँ से 360 व्यू दिखता है ऊपर टॉप से। अच्छा दोस्तों, फिलहाल अभी हमने 1 किलोमीटर पैदल यात्रा हमने अपनी तय कर ली होगी, जिसके बाद थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई अब शुरू हो चुकी है। केसर भाई थकान हो रही है हल्की फुल्की? बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से वो पर टॉप दिख रहा होगा पहाड़ में आपको, वहीं तक हमें जाना है। कंफर्म नहीं है वो भी कि वहीं तक जाना है और भी जाना है, हो सकता है इसके बाद और ऊपर जाना पड़ सके। देखते हैं क्या रहता है और कैसा है आगे का सफ़र हमारा। पांडवखोली जाने के लिए आपको कुछ इस तरह से घने जंगलों के बीच से होकर जाना पड़ेगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि अगर आप कभी यहाँ घूमने आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आएँ, मतलब 4-5 लोग, 2-4 लोग कम से कम होने चाहिए, अकेले ना आए। अगर आप अकेले आते हो तो इतने बड़े घने जंगल में आपको बाघ भालू इस तरह के कुछ जंगली जानवर से आपका सामना हो जाएगा और आप खतरे में पड़ सकते हो। इसलिए अगर आप यहाँ आते हैं तो एक बार अपने साथियों के साथ आएँ, ऐसे अकेले ना आएँ। क्योंकि सर भाई, हाँ बिल्कुल, अगर आपको काफ़ी लेट हो जाता है अगर ऊपर आने में तो फिर आप नेक्स्ट डे का ही प्लान बनाना, क्योंकि अगर आप लेट आते हो ऊपर को तो आपको वापसी होते होते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में ये जंगल और ज़्यादा डरावना लगेगा। ये देखो आप, काफ़ी दूरी तय करने के बाद हम पहुँचे हैं प्रवेश द्वार में पांडवखोली। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ बर्फ़ भी गिरी हुई थी करके, तो अभी देखिए बर्फ़ यहाँ पे पिघलने लग गई है, काफ़ी कम बची है लेकिन अभी भी कुछ अवशेष हैं बर्फ़ के। के सर भाई क्या लगता है, यही होगी प्रतिध्वनि? ये दूसरा गेट है यहाँ पे। ये अभी हम पहुँच चुके हैं दोस्तों पांडवखोली, और यही जो प्रतिध्वनि इसी में कूदने पे होगी। केसर भाई कूदो तो, एक बार कूदो। हम पहुंच चुके हैं और 1:30 बजी है, हमें आते आते 1.5 घंटा लग गया था यहाँ। और एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जगह तो काफ़ी अच्छी है लेकिन यहाँ पर एक सूचना दी गई है, सामने लिखा है कि आग जलाना और टेंट लगाना यहाँ पर मना है, तो आप टेंट वगैरह नहीं लगाना करके ऐसा बताया गया है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं लगाना तो एक बार परमिशन लेकर ही लगाइएगा। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर मत ही लगाइए, क्योंकि यहाँ जंगल भी काफ़ी घना है तो जंगली जानवरों का भी खतरा मना रहता है। यहाँ से आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, वो सामने बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, चारों तरफ से बर्फ़ के पहाड़ हैं
और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, काफ़ी मनोरम दृश्य। यह है दोस्तों पांडव खोली, यहाँ का मंदिर। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, यहाँ से हम दूर दूर के दृश्य देख सकते हैं, प्राकृतिक दृश्य। दो मंजिला है, लकड़ी का बनाया गया है, तो सावधानी पूर्वक चलना होगा। यह दोस्तों पांडव खोली, बीच जंगलों में बसा हुआ एक मनोरम स्थल। नीचे उतरने में बहुत डर लग रही है। यह दोस्तों यहाँ के पांडव मंदिर, जी 5 प्रतीक हैं पांडवों के। यह द्वारा हार्ट ब्लॉक की अंतिम दुकान, यहाँ पे आपको पीने के लिए चाय वगैरह भी मिल जाएगी। वैसे तो मैं चाय पीना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये यहाँ की हर्बल टी है, जो इसे थोड़ा आज यहाँ आ रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, गर्म काफ़ी हो रही है, बढ़िया है। चाय रहने की भी उचित व्यवस्था है यहाँ। तो ये था दोस्तों हमारा सफ़र स्वर्गपुरी पांडव खोली का, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा और काफ़ी मनोरम दृश्य भी हमें यहाँ देखने को मिले हैं, और यहाँ की चाय भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब अगली बार कोशिश रहेगी कि यहाँ आऊँ, और इसमें अगर आप आना चाहते हो और आप चाहते हो कि यहाँ आपके रहने की सुविधाएँ मिल जाए आपको, तो आपने एक आध दिन पहले बताना पड़ता है, ऐसा यहाँ सूचना दी गई हमें, ऐसी जानकारी दी गई। तो अब ऐसा सोचा है जब अगली बार आएंगे हम तो यहाँ रुकेंगे, नाइट स्टे करेंगे। यहाँ दोस्तों पांडव खोली में विदेशी पर्यटक भी काफ़ी आते हैं। आज ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ एक महीने के लिए साउथ कोरिया से तक लोग आए हैं, और यहाँ से कुछ दूर 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ ध्यान केंद्र है। अगर आपको ध्यान करना है, ध्यान करना पसंद है, तो आप वहाँ जाके ध्यान भी कर सकते हो। वैसे मैं तो अब चल रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं क्या रहता है। आज अभी कुछ प्लान डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने गाड़ी तक पहुँच जाएँ। दोस्तों फ़िलहाल हम निकल पड़े हैं, 2:15 हो चुका है, और देखते हैं कि अब हम अपनी गाड़ी तक कितने बजे पहुँचते हैं, और उसके बाद केसर भाई क्या प्लान है, कहाँ जाने का है? कोई पता नहीं है जहाँ को निकल पाए आज। 3 ऑप्शन है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कोसानी, और द्वारा जागेश्वर। द्वारा आठ तो लास्ट ऑप्शन है, जब लेट हो जाएंगे, बट यहाँ से निकलेंगे ये कंफर्म है। पांडु खोला के दर्शन करके केसर भाई को आई फुर्ती, उछल उछल के जा रहे हैं अब तो। केसर भाई क्या हो गया है? जल्दी पहुँचना है रोड में, ऊपर आ रही है बात की आवाज। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने गाड़ी तक। देखो केसर भाई की हालत देखो आप, सबसे पहले ये आधे रास्ते में तो रोने जैसे लग गए थे, कैसे पहुंचूंगा मैं मैंने अपनी छुट्टियां बर्बाद कर दी है, घर ही सोए रहता है, इससे अच्छा कुछ ऐसे शब्द थे इनके। जब मैं कहने लगा कि अब थोड़ा ही बचा है, तो कहने लगा कि अरे बेवकूफ बनाता है तू मुझे, अब मैं क्यों आया हूँगा। अरे यार यहाँ है फिरो, चलना बाप रे, आफत आ गई वहाँ जाते जाते। कितनी थकान होगी केसर भाई? अभी तो नहीं, कल सुबह पता चलेगा घुटने जब काम नहीं करेंगे। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं गाड़ी में, और सफ़र कर दिया है कंटिन्यू। इतना मज़ा आ रहा है, मज़ा तो मुझे अपनी गाड़ी में बैठ के आता है, इतना आनंद आ रहा, पूरी थकान दूर हो जाती है। केसर भाई हो रही है थकान दूर? अभी मिला है आराम बहुत देर बाद,
साहब पूरे 12 बजे से निकले थे, अभी जाके कहीं पे बैठने को मिला आराम से। हाँ अब देखते हैं आगे का हम सफर कहाँ के कहाँ को तय करते हैं। क्या लगता है कि सर भाई अल्मोड़ा या कहीं दूसरी जगह? अल्मोड़ा देखो अभी जाते जाते शाम तक कहाँ पहुँचते हैं कोई भरोसा नहीं, अल्मोड़ा भी पहुँचते हैं बागेश्वर भी हो सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं कसार देवी में और आज हम रात्रि विश्राम करेंगे एवरग्रीन होम स्टे। आज हम एवरग्रीन होम स्टे हमने लिया हुआ है तो काफ़ी थक भी चुके हैं, आज काफ़ी पैदल चले हैं, थोड़ा सर भी दर्द जैसा होने लगा है। तो अब जाते हैं थोड़ा कुछ खाने की व्यवस्था देखते हैं और उसके बाद फिर कल जाएंगे कसार देवी करके आएंगे भगवान के दर्शन। अभी हम आए हैं डोलमा रेस्टोरेंट कसार देवी डिनर करने के लिए। तो सर भाई थके नहीं थके? बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो क्या डिनर में? डिनर में भी मंगाया कढ़ाई पनीर सिंपल सा। वैसे तो मैं हूँ चिकन खाने वाला आदमी नॉन वेजिटेरियन, पर क्या करूँ आज के मंदिरों के टूर लग रहे हैं तो वेज पे ही फोकस है। तो दोस्तों खाना खा के आ चुके हैं और अब रात्रि विश्राम होगा और कल करेंगे माता रानी के दर्शन। तब तक गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत हुई है हमारी कसार देवी से। आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं कसार देवी मंदिर दर्शन करने के लिए और काफ़ी अन्य लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे केसर भाई भी वीडियो बनाते हुए। कसार देवी मंदिर से अल्मोड़ा शहर का एक शानदार नज़ारा दिखता है और ये रहा है कसार देवी मंदिर। जय हो भगवान सबकी रक्षा करना। यह है यहाँ का शिव मंदिर। तो दोस्तों कसार देवी मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम अपने सफर को समाप्त करेंगे। अब जाएंगे हम अपने घर को पिथौरागढ़। केसर भाई और कहीं जाने का है प्लान? नहीं अब कहीं नहीं है जाने का प्लान, अब सीधे पिथौरागढ़ जाएंगे। रास्ते में रुकते हुए जाएंगे, नॉर्मली चीज़ें रहती है वो। काफ़ी अच्छा रहा है सफ़र, माइंड फ्रेश हो गया है और अब खाना वगैरह खा के फिर सीधे घर को। चलिए फिर ऐसी आपसे मुलाकात होती रहेगी, अगर इस बीच कुछ अच्छी चीज़ें हुई या कोई चीज़ दिखाने लायक होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक बाय बाय।